हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल मैत्रीस गुड फूड में। आज की मज़ेदार और नई रेसिपी में हमने बनाए हैं बैंगन की सब्ज़ी। ये बैंगन की सब्ज़ी 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। इंस्टेंट बैंगन की सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे हमें कढ़ाई में ही बनाएंगे। कढ़ाई में ही 10 मिनट में ये सब्ज़ी बनके रेडी हो जाती है। तो चलिए देरी ना करते हुए इस मज़ेदार और नई रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैंगन की सब्ज़ी बनाने की सामग्री को देख लेते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने दो लंबे जो काले कलर के बैंगन होते हैं वो ले लिए हैं, एक बारीक कट किया टमाटर, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तीन चम्मच तेल, एक चम्मच राय, एक चम्मच लहसुन की पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच हींग और एक गिलास पानी ले लिया है। सबसे पहले हम बैंगन को कट कर लेंगे। बैंगन को हम सीधे पानी में ही कट करेंगे क्योंकि बैंगन को कट करने के बाद बैंगन काले पड़ जाते हैं। सबसे पहले हम इसके एक्स्ट्रा जो डंठे हैं उसे निकाल लेंगे, उसके बाद हम बैंगन को कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से अपने पसंद के शेप में बैंगन को कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे दो हिस्सों में सबसे पहले कट करूँगी, फिर एक हिस्से को फिर से हम बीच में से दो हिस्सों में कट करेंगे और फिर इसे इस तरह थोड़े से बड़े टुकड़ों में कट करेंगे। आप चाहे तो इसे राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। इसी तरह हम सारे बैंगन को कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे बैंगन को कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में तीन चम्मच तेल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो जाए उसके बाद राय डाल देंगे। राय छटकने लगे उसके बाद इसमें हींग डाल देंगे। अब इसके अंदर हमने जो बैंगन को कट किया है वो डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाए फिर लो फ्लेम पर ही ढक्कन लगाकर इसे हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद अब हम ढक्कन को हटा लेंगे और अच्छे से फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगन का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम बारीक कट किया हुआ टमाटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर मिक्स हो जाए उसके बाद एक चम्मच लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर जल्दी से पक जाए उसके लिए इसके अंदर अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से नमक को इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इन सभी को मिक्स करने के बाद फिर से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है ताकि टमाटर है वो जल्दी से पक जाए। यहाँ पर 2 मिनट हो चुकी है, अब हम ढक्कन हटा लेंगे। यहाँ पर हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है और बैंगन को भी हम चेक कर लेंगे कि वो पका है कि नहीं। यहाँ पर हमारा बैंगन अभी तक पका नहीं है, थोड़ा सा कच्चा है। अब इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाले ऐड नहीं करने। अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए फिर 1 मिनट तक लो फ्लेम पर मसालों को हम पकने देंगे ताकि इसका कच्चापन है वो चला जाए। 1 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो आप पानी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और ढक्कन लगाकर 3 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे। 3 मिनट के बाद अब हम ढक्कन को हटा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी का कलर भी कितना अच्छा आया है और इसकी ग्रेवी भी एकदम गाढ़ी हो चुकी है। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। अब इसके अंदर आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब हम बनाई हुई बैंगन की सब्ज़ी को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है और 10 मिनट में ये सब्ज़ी बनके रेडी हो जाती है। आप भी अपने घर पर इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। इसके अंदर हमने कोई भी गर्म मसाला या एक्स्ट्रा कोई भी मसाले का यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने रूटीन मसाले ही इसमें यूज़ किए हैं। फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी और आप इस सब्ज़ी को रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। है ना एकदम मज़ेदार रेसिपी। सिर्फ 10 मिनट में ये सब्ज़ी कढ़ाई में बन जाती है। इसे हमें प्रेशर कुकर में भी नहीं बनाना, बहुत ही लाजवाब बनती है। आप अपने घर पर जरूर से ट्राई करिएगा और हाँ, हमें कमेंट में कहिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करिएगा ताकि ऐसी और मज़ेदार और नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।